पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राज शर्मा जिंदाबाद, कैबिनेट पार्टी जिंदाबाद। पत्रकारों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो उत्पीड़न, बंद करो, बंद करो उत्पीड़न, बंद करो, बंद करो पत्रकारों का उत्पीड़न, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं, जिस पे हमारा भारत चार स्तंभों में टिका हुआ है, उसमें वो स्वयं जो प्रधानमंत्री बने हुए एक स्तंभ है, वो तो उन्होंने गिरा रखा है। और हर समय जो निरूपा राय, हम बचपन में पिक्चर देखा करते थे तो हर सीन पे निरूपा राय रोती थी, वैसे ही मेरा अभाग हूँ मेरा कि मेरा प्रधानमंत्री रोता रहता है। और जब सच को उजागर करने के लिए मेरे पत्रकार बंधु आगे बढ़ते हैं तो उनके उनको भी गिरफ्तारी किया जाता है। मेरी कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध करती है और मैं आप लोगों के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि आप देश के काम पे जुटे, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप केवल भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आज तानाशाहियों की सभी हदों को पार करती चली जा रही है। आज देश में अघोषित आपातकाल लागू हो चुका है, मीडिया के साथियों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है, जहां जो भी सरकार से कोई प्रश्न पूछ लेगा उसकी जुबान बंद कर दी जाएगी, उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, उसको नोटिस दे दिए जाएंगे, चाहे वो ईडी हो। वो आज भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन डिपार्टमेंट बन गया है। ऐसे समय में दिल्ली में न्यूज़ क्लिक के संपादक को गिरफ्तार किया गया, पत्रकारों को नोटिस दिए गए, उन्हें लगातार 24 घंटे बंद रख के पूछताछ की गई। वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ पत्रकार उमलेश जी को लगातार पूछताछ के लिए बंद रखा गया। आज जब वरिष्ठ पत्रकारों का, जो आज तक देश को दिशा देते रहे, देश के बारे में जनता को जागरूक करते रहे, ऐसे लोगों का ऐसा उत्पीड़न हो रहा है, तो आम आदमी की और हम जैसे लोगों की क्या स्थिति होगी। इसलिए इस भाजपा सरकार को चेताने के लिए आए हैं, महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन दिया है और ये निवेदन किया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि वो तत्काल हस्तक्षेप करें और मीडिया के साथी और पत्रकार भाइयों के साथ जो इस तरह की कार्यवाही हो रही है उसे रोका जाए। जुबान पर प्रतिबंध लगाना, अनुच्छेद 19 का सीधा उल्लंघन करना, क्या मीडिया को भी बोलने की छूट नहीं देंगे आप इस देश में? इस तरह की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। दरअसल मोदी सरकार आज पूरी तरह से नाकाम है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो कोई प्रश्न पूछ ले, इसलिए जुबान बंद कर दो। कांग्रेस पार्टी आज इसका पुरजोर विरोध करती है, पूरे प्रदेश में, हर जिले में, हर महानगर कमेटी आज ज्ञापन दे रही है और राष्ट्रपति महोदय से निवेदन है कि तत्काल हस्तक्षेप हो।